कि टिकट किसी को भी मिलता भारतीय जनता पार्टी का, और किसी को भी मिलता मैं भी उनके साथ होती, अगर मुझे नहीं मिलता तो किसी और को मिलता और मैं उनके साथ खड़ी होती। स्वागत और सत्कार के बीच बीच शुभकामनाओं के साथ साथ कुछ शिकायतें भी आती होगी आप तक। आप ये देखिए कि 9 साल में एक भी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ, सीमाएं हमारी सुरक्षित हुई। वाकई याद आ गया जहां आपको थोड़ा बहुत डांटा भी गया था। तो डांटना तो अच्छा है, उससे भी कुछ सीखते हैं कि विधायक नहीं बनेंगे तो सांसद राज्यसभा में कैसे बनेंगे, क्योंकि वो वोट करने का अधिकार विधायकों को होता है। 4 से वो यहां सांसद भी है, फिर 2008 में यहां से विधायक भी है, एक लंबा कार्यकाल उन्होंने यहां बिताया है, मगर उसके बाद भी कोई एक लोग कहते हैं कि बड़ी उपलब्धि उनके इससे नहीं आई। आपने जिस दिन मंच साझा करा कांग्रेस के साथ, उस दिन से आप भाजपा के नहीं रहे। लोग कहते हैं कि दीप्ति जी ने 2.5 साल तो दीप्ति जी को हमने दिए हैं, दीप्ति जी 2.5 साल MLA भी ले लिए, मगर काम ऐसे कुछ विशेष हुए नहीं है। ना 21 उनका था ना 23 कांग्रेस का है। चुनाव मोदी जी के 2024 में, लोग ये कहते हैं कि 2023 का चुनाव राज्य का चुनाव है, यहाँ से हमको विधायक चुनने हैं, सांसद नहीं चुनने हैं, यहाँ हमको मुख्यमंत्री चुनना है, प्रधानमंत्री नहीं चुनना है। अपने हिसाब से जहाँ रोड बनी हुई है वहाँ वापस से डामर हो रहा है, कहीं पर रोड नहीं है, तो ऐसी कितनी स्थितियाँ जो नगर पालिका भी हैंडल नहीं कर पा रही। निर्दलीयों को कैसे देख रहे हैं आप? राजसमंद के इस चुनावी राजनीति में मुद्दा कभी कभार स्थानीय बाहरी का भी सुनाई दे देता है कि अरे दीप्ति जी तो बाहरी है, कहीं ना कहीं कुछ समर्थकों में नाराजगी भी है, कुछ कार्यकर्ता शायद अभी थोड़े दूर दूर भी दिखाई देते हैं। पॉलिटिशियन के तौर पर कितनी चीज़ें बदली है 2.5 साल में? चुनाव के इस प्रचार में नारायण सिंह जी पार्टी से मुलाकात हुई है नहीं हुई, आमने सामने कभी हाय हेलो हुआ कि नहीं हुआ, कि दोनों कहीं एक ही जगह टकरा गए हो, ऐसा कुछ? राजसमंद को लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या आपके प्लान से? नमस्कार। चुनावी दौर में चुनावों का शोर बड़े जोर शोर के साथ सुनाई दे रहा है और हम भी उस पूरे के पूरे चुनाव को आप तक कवर करके ला रहे हैं। हालांकि आज 23 तारीख है, चुनावी कवायद अब थमने को है, चुनावी प्रचार अब आप रुकने को है, मगर राजसमंद एक्सप्रेस अभी रुका नहीं है। तमाम चेहरों को आप तक पहुंचाने की पूरी हमारी कोशिश जारी है और उसी कोशिश में आज राजसमंद से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और हालिया विधायक दीप्ति महर्षि हमारे साथ हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका राजसमंद एक्सप्रेस पे, और जिस तरह के आपके मैं दौरे देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं भागदौड़ तो पूरी हो ही रही है, थकान भी जोरदार महसूस हो रही होगी। नहीं नहीं, भागदौड़ है, थकान तो ऑफ कोर्स होती है, लेकिन जब लोगों का रुझान देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति और गांव में जाते हैं, इतना अच्छा स्वागत, इतना सम्मान, इतना सत्कार, शहर में इतना सम्मान, तो एनर्जी अपने आप आ जाती है। फिर ये स्वागत और सत्कार की आप बातें करते हो तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि क्योंकि आप 2.5 साल से MLA भी हो तो उस स्वागत और सत्कार के बीच बीच शुभकामनाओं के साथ साथ कुछ शिकायतें भी आती होगी आप तक? हाँ, तो शिकायतों से, शिकायत व्यक्ति उसी को करता है जो काम करते हैं। अगर हम हमारा चेहरा हम अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता लोगों के बीच में नहीं जाते, निरंतर उनके साथ में नहीं रहते, तो वो हमारे से अपेक्षा भी नहीं करते कि हम उनका काम करें। काम की बात है तो लोग कहते हैं कि दीप्ति जी ने 2.5 साल तो दीप्ति जी को हमने दिए हैं, दीप्ति जी 2.5 साल MLA भी रह लिए, मगर काम ऐसे कुछ विशेष हुए नहीं है। काम क्यों नहीं हुए विशेष? मेरे को जितना विधायक मत मिला उतना हमने पूरा का पूरा 100% यूटिलाइज करके गांव में दिया है, सामुदायिक भवन के लिए, ट्यूबवेल, पानी, सड़क के लिए, CC सड़कों के लिए। उसके अलावा अगर DMFT मत से बात करें तो हमने बहुत संघर्ष करके, और जब मैं ये बात बोलूँगी कि बहुत संघर्ष, तो ये सब जानते हैं कि वो संघर्ष कितना बड़ा था DMFT मीटिंग में, तो बहुत संघर्ष करके हमने आंगनवाड़ी को जीर्णोद्धार करना, कोरोना काल के अंदर आंगनवाड़ी मतलब हालत ख़राब हो गई थी, स्कूल्स की हालत ख़राब थी, तो क्लासरूम्स देना, उसके अलावा रोड्स DMFT मत से देना, मिसिंग लिंक में मुझे जो मिली वो सारी रोड्स हमने दी, जितने हैंडपम्प, जितना ट्यूबवेल, जो जो एक विधायक को सरकार से मिल रहा था वो हमने पूरा का पूरा यूटिलाइज करा है। लेकिन सरकार नहीं होने की वजह से डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा फंड, एक एक्स्ट्रा बड़े चीज़ें, स्कूल्स को क्रमोन्नत कराना, वो कहीं ना कहीं रह गए हैं, तो वो भी अब आने वाले 5 साल में उसकी हम पूरी पूर्ति करेंगे। आप चलिए, मैं आपसे सीधा सीधा सवाल पूछता हूँ, आपके 2.5 साल को आप कैसे आंकते हैं? मेरे 2.5 साल आप अपनी USP क्या मानते हैं आप? ऐसा क्या है कि ये चीज़ ऐसा ना, ये राजसमंद वालों को लगना चाहिए कि देखो मैंने ये तो आपके लिए बहुत बढ़िया कर दिया है, ये मतलब ये कुछ तो लोगों तक भी पहुँचे ना चीज़ें। देखिए, मैं ये कहूँगी कि सबसे ज़्यादा अगर मैं एक चीज़ मुझे लगता है जो मैंने सीखी भी है और मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ कि मैं उसमें थोड़ी बहुत सफल भी हुई हूँ, वो ये है कि राजसमंद के कोई भी मुद्दे हो,
मैं हमेशा राजसमंद के लिए खड़ी हुई, बोला मैंने, भले वो विधानसभा में हूँ, भले वो कलेक्टर ऑफिस में हूँ, भले वो रोड पर हूँ। तो मैंने पिछले 2.5 साल में, मेरे लिए भी बहुत बड़ा लर्निंग कर्व था। बच्चा स्कूल में जाता है, पेंसिल उठाता है, पेंसिल उठाकर वो पहले देखता है कि पेंसिल कैसे पकड़ते हैं, उसके बाद उसको स्केच करना, लाइन बनाना सीखता है। सेम मेरी भी कंडीशन थी, मैं राजनीति में सडनली आ गई थी, और मैं उसको मानने से कहीं कोई दोहराए नहीं है, पर जब आए सीखे तो 54 बार मैंने विधानसभा में आवाज़ उठाई राजसमंद के लिए, और अलग अलग कामों को लेकर अलग अलग। ऐसा कोई चीज़ नहीं, जिस भले ही वो आप बसेस को अगर हमारे यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं, एक बड़ा मुद्दा था कि बस नहीं पहुँचती, गांव की महिलाओं के हमेशा प्रॉब्लम रहती थी, उसको लेकर, झील के जीर्णोद्धार को लेकर, शिक्षा को लेकर, महाविद्यालय को लेकर, ऐसा कोई भी खनन क्षेत्र को लेकर, फसल खराबा को लेकर आप बोलिए, उस मुद्दे पर मैंने विधानसभा में आवाज़ उठाई है, राजसमंद के लिए आवाज़ उठाई, और राजसमंद के सभी वासियों को बिल्कुल मैं मानती हूँ कि ये मेरी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जब आप उस विधानसभा में खड़े होते हैं और आपके सामने 199 ऐसे बड़े नेता हैं जो एक कद्दावर के लिस्ट में आते हैं, 2 से 3 बार रह चुके हैं, और उसके पहले भी, पहली फर्स्ट टाइम विधायक भी रहे, तो भी उन्होंने 2.5 साल का कार्यकाल देख लिया, विधानसभा कैसे चलती है वो देख लिया, तो एक आप एडजस्ट हो जाते हो उस माहौल के अंदर जाना, और उस माहौल के अंदर डांट भी पड़ती। देखिए आपको सामने जो विधानसभा का आप जिक्र कर रहे हो, तो मेरे वाक्य याद आ गया जहाँ आपको थोड़ा बहुत डांटा भी गया था। तो डांटना तो अच्छा है, उससे भी कुछ सीखते हैं हर चीज़ से। देखिए इंसान कोई भी सिचुएशन हो, मुझे लगता है सीखते हैं, और हमेशा वो अगर प्रवृत्ति है आपकी सीखने की, तो आप किसी भी सिचुएशन में होंगे आप सीखोगे। आप अपने कार्यकाल के बारे में बता रहे हैं, मगर कुछ चीज़ें यह भी चलती है कि जैसे कि किरण जी का जिक्र होता है कि 2004 से वो यहाँ सांसद भी है, फिर 2008 में यहाँ से विधायक भी है, एक लंबा कार्यकाल उन्होंने यहाँ बिताया है, मगर उसके बाद भी कोई एक लोग कहते हैं कि बड़ी उपलब्धि उनके इससे नहीं आई, इसके इस मामले में हाथ खाली रह गए राजसमंद। देखिए मैं सबसे पहले तो लोगों का काम है बोलना, कुछ तो लोग कहेंगे, बहुत सीधी सी बात है, और ये नज़रिए का फेर होता है, आप किस नज़रिए से देखना चाहते हो बड़ी उपलब्धियाँ। क्या आपके लिए अन्नपूर्णा माता मंदिर का जो रोड बनी, सब कहते हैं कि इम्पॉसिबल काम था कि वहाँ तक सड़क बन सके, सब्जी मंडी बनी काकरोली में, 3-3 सब्जी मंडियाँ बनी, इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ हैं। उसके अलावा आप रोड, एक सड़क का शहर राजसमंद को कहा जाता था, और आज चारों तरफ रोड के जाल जो बिछे हैं, ये सब बड़ी उपलब्धियों में है। और इससे भी सबसे बड़ी उपलब्धि, आप गांव में जाओ, आप किसी माता बहन से पूछो, आप डूमखेड़ा दुलियाना ये पूरे बेल्ट में जाओ, जब वो मिनिस्टर थे PhD की, माताएं बहनें आज भी कहती है कि आपकी माँ ने बेवड़े उतारे हमारे सर से, हमारे पानी की मटकी उतारी हमारे सर से, हमारे लिए इससे बड़ा कोई काम वो नहीं कर सकते थे। तो ये तो बहुत देखने का फेर है कि हम क्या देखते हैं, और डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ काम, कुछ सपने बाकी रह गए, तो वो भी पूरे होते। काम और विकास तो ऐसा है जो कभी रुकता नहीं, गति चलती रहती है। ब्रॉडगेज का अगर आज दिया जी ने इतना बढ़िया काम करा है, तो संघर्ष कितने सालों से चला और आज जाकर वो पूरा हुआ है, तो उसके लिए भी अब धन्यवाद देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम है, सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिला। और किरण जी की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो अगर काम नहीं होते तो राजसमंद इकलौती विधानसभा नहीं होती 7 उपचुनावों में जो भारतीय जनता पार्टी जीती। ये जो अब सारी बातें आपकी सुन रहा था, उसमें एक बिंदु निकल कर ब्रॉडगेज, और मुझे पता था कि धीरे धीरे जब भी मैं इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करता हूँ ना, तो उनको एक बहुत अच्छे से पता होता है कि चीज़ों को अपने को क्या करना है, कि धीरे सेट करते करते केंद्र और नरेंद्र मोदी की तरफ ले जाना है। ब्रॉडगेज का आपने जिक्र किया, तो वो पटरी भी कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ जाती है, नरेंद्र मोदी की तरफ जाती है। तो ये भाजपा वालों का सही है कि कहीं पर भी कुछ भी हो, मोदी जी का नाम ले लो। मोदी जी सिर्फ भाजपा के नहीं है, मोदी जी हमारे देश के गौरव हैं, भारत के गौरव हैं, और पूरा विश्व उनका सम्मान करता है। वो सारी बातें मैंने मान ली, ये सारी लाइनें मैंने हर एक नेता के मुंह से सुन ली है मोदी जी को लेकर, मगर चुनाव मोदी जी के 2024 में, लोग ये कहते हैं कि ये 2023 का चुनाव राज्य का चुनाव है, यहाँ से हमको विधायक चुनने हैं, सांसद नहीं चुनने हैं, यहाँ हमको मुख्यमंत्री चुनना है, प्रधानमंत्री नहीं चुनना है, ये प्रदेश का चुनाव है, इसको प्रदेश का रहने दिया जाए, ये मोदी जी का न बनाया जाए।
आपने अपने प्रश्न में ही अपना सवाल इसका सवाल में ही अपना जवाब दे दिया है। आपने कहा ये राज्य के चुनाव है, ये वाकई में राज्य के चुनाव है जो राज्यसभा तक जाता है, जिसका जिसका रास्ता अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं बनेंगे तो सांसद राज्यसभा में कैसे बनेंगे, क्योंकि वो वोट करने का अधिकार विधायकों को होता है, और अगर राज्यसभा मजबूत नहीं होगी तो लोकसभा मजबूत होने के बावजूद भी हम ऐसे कड़े फैसले नहीं कर पाएंगे, भली तीन तलाक का हटाने का हो, 370 धारा हटाने का, और ऐसे कितने लॉ नियम अगर कानून हमें बनाने, आज कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो वो तभी हो सकता है जब राज्यसभा भी मजबूत होगा और लोकसभा भी मजबूत होगा। अच्छा, मतलब राज्यसभा की भी हमको मजबूत करनी है। बिल्कुल, लगे आपने चीजें वहां कनेक्ट तो कर ही दी किसी तरह, कनेक्ट करने की बात नहीं है, तो ये इसमें कनेक्ट क्या, ये तो अधिकार की बात है। विधायक वोट करते हैं राज्यसभा सांसद को, और अगर हमारे विधायक नहीं बनेंगे तो हमारे सांसद कैसे राज्यसभा तक पहुंचेंगे। तो आप विधायकों के माध्यम से मोदी जी को आप तो मजबूत करने की बात कर रहे हैं, मगर राजसमंद के कुछ आपके पुराने साथी ऐसे भी है जो शायद इस बात से अब इतना इत्तेफाक नहीं रखते हैं, इसलिए उनकी राह थोड़ी अलग हो गई है, वो चुनाव अलग लड़ रहे हैं, आप भाजपा की तरफ से प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने दमखम और दल बल के साथ मैदान में डेरा डाल रखा है, निर्दलीयों को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं एक बात बताती हूँ, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है और हम आपस में कितना भी ये बातें गई, ये गई, अब चुनाव है, आमने सामने लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, आमने सामने लड़ रहे हैं, तो मैं आपको तभी बता रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, कोई एक व्यक्ति नहीं लड़ रहा। जब पार्टी पूरी लड़ती है तो पार्टी को पता है कि उनका मकसद एक ही है, हमें सबको मिलकर मोदी जी को स्ट्रॉन्ग करना है, और मोदी जी को स्ट्रॉन्ग करना है, हमारे राष्ट्र हित में ये वोट जाने वाला है, तो सबको एक होकर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ेगी। तो वो तो राष्ट्रहित का तो मुद्दा आप कह रहे हैं, मोदी जी की मुद्दे बार बार आ रहे हैं, मगर राजसमंद के इस चुनावी राजनीति में मुद्दा कभी कभार स्थानीय बाहरी का भी सुनाई दे देता है कि अरे दीप्ति जी तो बाहरी है, अब हमको स्थानीय को लाना है, ये इन चीजों को कैसे देखती है, और ये इस पे पूरा चुनाव, मतलब एक पूरा धड़ा इस पे चुनाव लड़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो मैं ये बोलूंगी कि इसको है ना, सबसे बड़ा मुद्दा सब मीडिया वालों ने बनाया, आपसे मीडिया भाई आपकी पार्टी के लोग कर रहे हैं, हमने क्या बनाया। ये हर बार हर इंटरव्यू में आप लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपको बहुत लॉजिकल एक आंसर देना चाहूंगी इस बात का। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि हम, मेरा जो फर्स्ट स्कूल था वो जेके लक्ष्मीपत स्कूल था, वहाँ पर मेरी नर्सरी हुई। मैंने जब मेरे पापा यहाँ पर काम करते थे जेके में, उनकी सर्विस थी, और उसके बाद किरण जी 2004 से आज कितने साल हो गए, 2020 तक जब उनका निधन हुआ, तब तक निरंतर यहाँ पर कार्य किया है, ये उनका कार्य क्षेत्र रहा है, और कार्य क्षेत्र रहने के बाद यहाँ पर घर है, घर पूरा यहाँ पर भी रहते हैं, तो ये स्थानीय बाहरी का मुझे समझ नहीं आता कि अगर इतने साल कोई काम करे तो उनके बच्चे वहाँ के नहीं होते, वो कहीं बाहर के हो जाते हैं। पर वो तो आप कह रहे हैं, चलिए आप बातें बता रहे हैं, मगर ये कोई मुद्दा मीडिया ने तो नहीं बनाया, कम से कम मीडिया को तो परोसा गया आपकी पार्टी के लोगों के द्वारा, मगर इस मुद्दे पर अब चुनाव एक धड़ा लड़ रहा है और सामने आप प्रत्याशी के तौर पर आपके सामने खड़े हैं, तो अब आपको नहीं लगता है कि इस त्रिकोण ने कहीं ना कहीं चुनाव को थोड़ा सा। नहीं, मैं आपको एक बात कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई मुद्दा नहीं है, सबसे बड़ी बात, और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को देखकर मुझे लगता है कि आजकल जो पूरी ये चल रहा है कि हम किस तरीके से हम मोदी जी को कमज़ोर करें, तो ये हम सब समझ रहे हैं, तो ये कोई मुद्दे नहीं है बात नहीं, वो तो कह रहे हैं हम मोदी जी के साथ हैं, हम तो भाजपा के ही हैं, बस हमारा जो स्थानीय बारे में था उसके बाद हम भाजपा में चले जाएंगे। आपने जिस दिन मंच साझा करा कांग्रेस के साथ, उस दिन से आप भाजपा के नहीं रहे। पर मुद्दा अगर उठा है तो लोग ये भी तो कहते हैं ना कि अरे ये सारी सेवा अगर दीप्ति जी करना चाह रहे हैं, अभी आपने राज्यसभा की और तमाम चीज़ें बताई, तो वो तो अगर उनमें से किसी को मौका मिलता तो वो विधायक बनते, तो भी राज्यसभा को मजबूत कर ही रहे थे ना। बिल्कुल बनते। मैंने ये चुनाव टिकट घोषणा से पहले भी मुझसे ये प्रश्न पूछा गया कि इतने दावेदार हैं आप लोगों में से, मैंने तब भी बोला और मैं आज भी बोलती हूँ कि टिकट किसी को भी मिलता भारतीय जनता पार्टी का, और किसी को भी मिलता मैं भी उनके साथ होती, अगर मुझे नहीं मिलता तो किसी और को मिलता और मैं उनके साथ खड़ी होती। और सबसे बड़ी बात, ये जो चुनाव है ये सिर्फ भारतीय जनता सिर्फ एक
पर्सन का नहीं है, ये यहाँ पे दीप्ति किरण माहेश्वरी का चुनाव नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, राजस्थान में सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है, और सभी मोदी जी के मुद्दे, हमारी पार्टी के जो मुद्दे, जो हमने सोचा है, जो हम चाहते हैं कि वो हों, कॉमन सिविल कोड को लेकर, और कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हुई। आप ये देखिए कि 9 साल में एक भी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ, सीमाएं हमारी सुरक्षित हुई, इतनी सारी योजनाएं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, जो मोदी जी के निरंतर प्रयास हैं कि वो किसी न किसी तरीके से बढ़े, उनको प्रोत्साहन मिले, तो ऐसी कितनी चीज़ें जो हो रही है। हमारे ये मुद्दे किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये मुद्दा हमारे को देश और राष्ट्र निर्माण करने के लिए, इसलिए ये जो वोट है ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हमारे को उन हितों को देखते हुए देना चाहिए। मगर फिर भी आप बातें बता रहे हैं कि तमाम चीज़ें चल रही है, सभी चीज़ें भाजपा की तरफ पाले में भी डाल रही है, मगर लोग यह भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ समर्थकों में नाराज़गी भी है, कुछ कार्यकर्ता शायद अभी थोड़े दूर दूर भी दिखाई देते हैं, ये चीज़ें भी चल तो रही है। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको कि भारतीय जनता पार्टी परिवार, मैं तो छोटी सदस्य हूँ, ये बोलूँगी कि 2.5 साल हुए, पर जो मैंने इस 2.5 साल में अनुभव करा है वो ये देखा है कि हम लोग कितना भी नाराज़ हो जाएं, हम कितना भी आपस में, हो सकता है घर बैठकर बात भी करेंगे, क्योंकि बड़ा परिवार है, 2 भाई 4 भाई जहाँ होते हैं, जहाँ पे इतने हैं, तो वो सब मिलकर कहीं ना कहीं कुछ बात हो सकता है, कुछ अच्छी नहीं लगी हो, बुरी भी लगी हो, वो सब भी, लेकिन जब चुनाव लड़ते हैं और जब बात मोदी जी की आती है, जब बात राष्ट्रहित की आती है, जब बात एकता की आती है, और जब भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज कराने के लिए आती है, तो पूरी पार्टी, पूरा संगठन एकजुट होकर एक ही मुद्दे से, एक ही लक्ष्य से लड़ता है, और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज करानी है। जीत दर्ज कराने की बात हो रही है, मगर जीत के लिए थोड़े से मैं आंकड़े देखता हूँ कई बार, तो 2018 में एक तरफा जीत थी, बड़ा एक मार्जिन रहा है आपके यहाँ जब किरण जी यहाँ से चुनाव जीते, उपचुनाव में वही मार्जिन 25,000 से घटके सीधा 5,000 पा जाता है। अब लोग कहते हैं, कांग्रेस की तमाम जो प्रतिक्रिया आती है, कहते हैं कि 5,000 तक तो लेकर आ गए उपचुनाव में, बस इतना ही कम करना है इस चुनाव में, 23 हमारा है। ना 21 उनका था, ना 23 कांग्रेस का है, और ना उससे पहले कभी कांग्रेस का रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत मजबूत गढ़ है राजसमंद, और यहाँ पर 23 में हम जीत रहे हैं, उसमें कोई दोराय नहीं है, और जिस तरीके का जनता के बीच में उत्साह है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, तो वो अपने आप ही 3 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तब पता पड़ेगा। इसमें कोई आकलन करना, कुछ बोलने की मुझे नहीं लगता कहीं ज़रूरत है। उपचुनाव में 31 सीट निकाली है, पूरी सरकार यहाँ पे लगी थी। जब जब मैं विधानसभा में गई, एक एक मंत्री ने कि हम आपके राजसमंद आए थे, हम आपके राजसमंद, तो मैं वंडर करती थी कि ऐसा कोई मंत्री नहीं है जो हमारे यहाँ पर उपचुनाव में नहीं आए। तो मैं तो बहुत नई थी, मैं चीज़ों को इतना समझती भी नहीं थी तब, लेकिन जो चुनाव तब लड़ा गया, तो जो परिस्थितियाँ उस वक्त उपचुनाव में बनी, क्योंकि पूरी सरकार, पूरी मशीनरी लगी थी हराने के लिए, तो मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, वो भी एक टाइम था, हमारा संघर्ष का टाइम था, अब तो उससे बेहतर होगा, अब वो नीचे नहीं, अब वो बहुत ऊपर जाने वाला है। आपने कहा मैं उतना समझती नहीं थी उस वक्त, चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश कर रही थी, अब कहाँ तक समझने की ये दौड़ कहाँ तक पहुँच गई है कि इतना चीज़ें समझने लग गई हूँ, या आगे अगर वापस मौका मिलता है तो क्या चीज़ें रहने वाली है, मतलब अब कहाँ तक, अब क्या क्या चीज़ें बदली है, एक पॉलिटिशियन के तौर पर कितनी चीज़ें बदली है 2.5 साल में? देखिए आप ऑफकोर्स आप नर्सरी से जाओगे तो केजी में जाओगे, हर दिन कुछ ना कुछ सीखते ही हो ना, तो मैं भी प्रेप तक तो आई गई हूँ। नहीं तो क्या चीज़ें क्या कैसे चलती है कि, मतलब राजनीतिक रूप से जब आप पहली बार आए थे तब जिन परिस्थितियों में आए थे तब वो सब परिस्थितियाँ शायद आपके लिए भी बड़ी विषम परिस्थितियाँ थी, प्रतिकूल परिस्थितियाँ थी, मगर अब जब आपने देखा है लोगों के बीच में गए हैं तो थोड़ा यूँ लगा कि कोई कनेक्शन जैसा फील होता है क्या? बहुत ज़्यादा मतलब महिलाएं, बड़े बुज़ुर्ग, बच्चे, आप कहीं भी जाओ, मतलब इवन रोड पर कितनी बार मुझे बहुत अजीब आश्चर्य होता है, जो हमारी ये राठासेन मंदिर मंदिर पे अगर मैं दर्शन करने जाती हूँ तो बच्चे खड़े रहते हैं स्कूल जाने के लिए, और वो अरे मम्मी दीप्ति माहेश्वरी ऐसे कर रिकॉल करते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कनेक्ट तो बनाइए। 2.5 साल में अगर मेरी गाड़ी 1.5 लाख किलोमीटर चली है तो वो कनेक्शन तो कहीं ना कहीं बनाई है। गाड़ी से याद आया, गाड़ी इन दिनों आप इस चुनाव प्रचार में भी काफ़ी चला रहे हैं, और उसमें एक दिन जीप देखी गई मेरे को, एक दिन शायद बाइक पे थे आप, ट्रैक्टर पे तो 2-3 बार देखा गया,
तो ये चुनावी हथकंडे क्या है ये, इससे यूँ तो नहीं है कि बस लोगों में हाँ थोड़ा यूँ बना रहे कि हमारे हाँ MLA साहब बिल्कुल, ये हथकंडे नहीं है। ड्राइविंग का मुझे बहुत शौक है, सबसे पहले मेरा मतलब मुझे पसंद है ड्राइव करना, और ट्रैक्टर चलाना सिखाया एक हमारे जूंदा में नारायण बा हैं और वो सब मिलकर उन्होंने ट्रैक्टर चलाना सिखाया, तो उसके बाद सबको लगा कि अब ट्रैक्टर ही चलानी चाहिए। पर चुनावी के जो स्ट्रेसफुल माहौल होते हैं ना, जब चुनाव में आप जा रहे हो, आप गांव टू गांव जा रहे हो, कंटिन्यूसली आपकी रनिंग चल रही है, सुबह 6 बजे हम उठ रहे हैं, रात को 2 बजे घर पहुंच रहे हैं, वापस सुबह 6 बजे, तो उसके बीच में ये जो मोमेंट्स है ये आपको रिलैक्स भी कर देते हैं, काम डाउन भी कर देते हैं, कार्यकर्ताओं का भी एक अलग जोश होता है उसके अंदर, और थोड़ा मेरे लिए तो ये रिलैक्सिंग मोमेंट्स होते हैं। चुनाव के इस प्रचार में नारायण सिंह जी भाटी से मुलाकात हुई है नहीं हुई, आमने सामने कभी हाय हेलो हुआ कि नहीं हुआ कि दोनों कहीं एक ही जगह टकरा गए हो ऐसा कुछ? हाँ हुई थी, दिवाली के अगले दिन लक्ष्मी मंदिर पे हुई थी, या दिवाली के दिन शाम को राम राम हुई थी। अभी चुनाव थोड़े सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा यूँ चर्चित हो जाते हैं, आप लोग जाते हैं तुरंत से वीडियो आ जाते हैं, फोटोग्राफ्स आ जाते हैं, तो कभी ऐसा देखते होंगे जूम करके कि मैं कल यहाँ गई थी इस गांव में, मेरे भीड़ ज़्यादा दिख रही है या नारायण सिंह जी वाले फोटो में ज़्यादा भीड़ दिख रही है, ऐसा कुछ? बिल्कुल कुछ नहीं है, सुबह 6 बजे निकलते, रात को 2 बजे पहुँच रहे हैं घर पे, और कंटिन्यूस दौरे चल रहे हैं, एक एक धानी एक एक गाँव जाने के मतलब मैं जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ है, सीट डिक्लेयर हुई उस दिन से आज का दिन है, कोई ढानी नहीं छूटी, उसके बाद भी मेरी अभी 6 ढानियाँ हैं जो छोटे छोटे गांव में जो रह गए हैं, जो मुझे कल कंप्लीट आज कंप्लीट करने हैं, तो दौरे चल रहे हैं, कहीं सोशल मीडिया पे कुछ देखने का समय नहीं है, कुछ फुर्सत नहीं है, खाना भी हमारा कार में चलता है सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक। तो वो तो खाना तो आपके क्या है, कहीं जा रहे हैं तो फिर आप, मैंने कुछ वो फोटोग्राफ्स वीडियो भी देखे थे जिसमें आपके चाय वाय बना रहे थे, तो उसके साथ खाने का भी सेट हो ही जाता है। ये तो मेरे को लगता है कई बार ये ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी लोगों से बात भी करता हूँ, महिला जो प्रचार करती है उनसे भी बात करता हूँ कि ये महिला प्रत्याशी होने का ये तो फ़ायदा है, क्या किचन में एंट्री ईजी हो जाती है? ऑफकोर्स होती है। तो आप जो अंदर जाते हैं तो महिलाओं को कहते होंगे कि आपके पति कुछ भी कहे वोट मेरे को देना है, ऐसा कुछ कान में कुछ? महिलाएं मेरे को कहती हैं कि आप चिंता मत करना ये लोग कुछ भी कहे वोट हम आप ही को देंगे। अच्छा, मतलब ये तो फिर ये तो चीटिंग हो गई ना एक तरह से देखे तो। चीटिंग क्यों हुई? तो ये तो फिर आप, मैं तो बहुत खुल के हमारे साथ सब कार्यकर्ता जितने भी हम जाते हैं वोट अपील करने के लिए, वोट मांगने के लिए, तो 50% जनता मेरे को संभालनी होती है और 50% वो सब मिलकर संभालते हैं। मैं अब थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि आपके मोटिव क्या है, अगर राजसमंद को लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या आपके प्लान से? राजसमंद को लेकर डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें 2.5 साल में जो मैंने सीखा है उस एक्सपीरियंस को भी लेते हुए मैं बोलूँगी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो राजसमंद के लिए है, युवाओं को रोज़गार के लिए मैं क्या अपॉर्चुनिटीज़ कर सकती हूँ, कैसे उनको स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से किस तरीके से उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि वो पलायन ना हो, राजसमंद खाली ना हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि यहाँ से सब बच्चे पढ़ लिख कर बाहर जाते हैं और फिर वहीं पर जॉब्स के लिए रुकना पड़ता है उनको अपने पेरेंट्स से दूर। उसके अलावा झील, जिस तरीके से विधानसभा में मैंने प्रश्न उठाया था और हमें 10 करोड़ का आश्वासन भी दिया था सरकार ने कि आपको 10 करोड़ देंगे हम झील को जीर्णोद्धार करने के लिए, तो वो आज तक ना तो आया है ना लगा है। तो झील को लेकर, सिंचाई को लेकर जो समस्या है, पानी को लेकर जो समस्या है, उन सब समस्याओं को सॉल्व करते करते सबसे बड़ी एक और बड़ा मुद्दा है जो मुझे लगता है कि मैं डेफिनेटली इन दो चीज़ों का प्रयास सबसे पहले करूँगी, एक तो शिक्षा का स्तर बढ़ाना, शिक्षक लाना, क्योंकि काफ़ी स्कूल्स खाली हैं, डेपुटेशन पे टीचर्स काफ़ी हैं, और आरके हॉस्पिटल की सुविधाओं को ठीक करना, क्योंकि कोरोना के टाइम पर जब मैं निरंतर लोगों के बीच में कोरोना में रही थी तो मूलभूत जो डॉक्टर्स हैं, मतलब वो डॉक्टर्स ही प्रॉपर नहीं होने की वजह से बहुत दिक्कतें उस वक्त भी आई थी, तो डॉक्टर्स को वापस लाना, उस वक्त भी जब उपचुनाव हुए थे तो 19 डॉक्टर्स का घोषणा पत्र निकला था कि 19 डॉक्टर्स लग गए, पर धरातल पर 2 डॉक्टर्स ने भी ज्वाइनिंग नहीं करी थी। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हम डेफिनेटली ये सुविधाएं बेटर करने की पूरी प्रयास करेंगे। पर आप अपने बता रहे हैं, मगर कांग्रेस कह रही है और मतलब लगातार राहत कैंप के माध्यम से कह रही थी, अब अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, घोषणा पत्र के माध्यम से कह रही कि हमने अच्छा काम किया है,
बड़ी अच्छी गारंटियां लेके आए हैं, इतना आसान होगा नहीं भाजपा के लिए। देखिए कांग्रेस का काम है झूठ बोलना और भ्रमित करना। पिछले 2.5 साल में आप देखिए, पिछले 5 सालों में इन्होंने कुछ काम नहीं किया। पहले 2.5 साल तो अपनी कुर्सी बचाने का काम किया, और उसके बाद जो 2.5 साल है उसमें बजट की ऐसी ऐसी घोषणाएं जो आज तक धरातल में नहीं उतरी, जिसमें एक तो मैंने आपको बताया, उसके अलावा भी कितनी चीज़ें मुझसे भी प्रॉमिस करी गई ट्रांसपोर्ट को लेकर, रोडवेज को लाकर कि हम बसें भेजेंगे, हम ये करेंगे, पत्र भी है मेरे पास कि हाँ हम इसकी ये चालू करने वाले, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और ये जितनी घोषणाएँ हैं, चाहे वो लाइट बिजली बिल को लेकर हो, चाहे वो आपके महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से वो पैकेज देने के लिए हो, चाहे महंगाई राहत कैंप से पट्टे देने की, पट्टे देने की तो वैसे भी प्रक्रिया होती है, उसमें आप कैंप लगा के कौन से ऐसे नए पट्टे बांध रहे हो, आपने रोका पट्टों की तो ये स्थिति कि आपने 6-6 महीने तक पट्टे नहीं दिए ताकि आप उस कैंप के माध्यम से ये गिना सको कि हमने पट्टे दिए। और ये सब छोड़ो, आप राजसमंद की बात करो, आज राजसमंद नगर में जो स्थितियां हैं हमारी, हम प्रदेश भी छोड़ो, हम अपने नगर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े वादे करे गए चुनाव से पहले। 3 साल हो गए इस नगर पालिका को बने हुए, आप ये बता दीजिए कि एक भी बड़ा काम अगर इस नगर पालिका ने करा हो। तो स्थिति ये है कि सफाई कहीं भी नहीं होती। अब जब अभी जा रहे हैं लोगों के बीच में जब जाते हैं तो उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि जो सफाई सुरेश जी के कार्यकाल में होती थी, जो नगर अच्छा रहता था सुरेश जी के कार्यकाल में, वो आज वो स्थितियाँ नहीं है। रोड्स के मामले में इतनी चीज़ें होती है कि दो दो घर हैं वहाँ पर तो पूरी रोड्स बन रही है, पर कितनी कॉलोनीज ऐसे हैं जहाँ पर रोड्स टूट गई हैं लेकिन रोड्स वापस नहीं बन रही। बीजेपी के जितने हमारे पार्षद हैं आप उनसे पूछिए, उनको बताया भी नहीं जाता है। हर पार्षद को 15-15 लाख मिलते हैं कि आप अपने वार्ड में रोड का सही करें, लेकिन अपने हिसाब से जहाँ रोड बनी हुई है वहाँ वापस से डामर हो रहा है, कहीं पर रोड्स नहीं है। तो ऐसी कितनी स्थितियाँ जो नगर पालिका भी हैंडल नहीं कर पा रही है, तो हम क्या बोलें ऐसी सरकार के लिए? सिर्फ झूठ बोलना और काम करना ये जानते नहीं, काम करके इनको दिखाना नहीं, झूठ बोलना है और लोगों को भ्रमित करना है, ये कांग्रेस का काम है।